हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। तो इस साल जो वायरस सबसे ज़्यादा जिसने अटैक किया उसका मैंने एक और जगह प्रैक्टिकल किया था, आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। इसी पेड़ पे मेरे सबसे ज़्यादा जो था वो जो मोज़ेक वायरस है वो था, और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ये आप देख सकते हैं, ये वाले टहने थे जो ये बिल्कुल ख़त्म थे, आप देख सकते हैं। दूर से भी मैं आपको दिखा दूँ, यही वाला वो प्लांट था, आप देख सकते हैं। तो लगभग मुझे अभी 10 या 15 दिन हुए हैं, शायद इतने ही होंगे, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है। पर आप देख सकते हैं जो इसमें रिजल्ट है वो अच्छे आए हैं। ये आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर इसकी पत्तियाँ थी वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, अब धीरे धीरे इसमें जो नई पत्तियाँ है वो भी आने लगी है, और जो ये पुरानी पत्तियाँ थी ये भी कहीं ना कहीं ठीक होने लगी है, और जो ज़्यादा पत्तियाँ मेरी ख़राब हो चुकी थी वो सारी पत्तियाँ हवा से अब झड़ चुकी है, मतलब उसको गिरा दिया है उसने, चाहे सुखा दिया है या गिरा दिया है, जो भी किया है, पर जो काम किया है वो बहुत ही बेहतरीन काम किया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा बहुत बचा है पर फिर भी जो पत्तियाँ है वो साफ होने लगी है। यहाँ बिल्कुल इसके बुरे हाल थे, ये आप देख सकते हैं, अब इसमें काफ़ी रिकवरी होने लगी है, नहीं तो ये बिल्कुल ही झड़ने लग गया था। और इस प्लांट में सेब भी आप देख सकते हैं, अच्छे सेब इसमें ठीक है लगे हुए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इस प्लांट में काफ़ी अच्छी रिकवरी, जो कोसी लानो दवाई थी उसकी हुई है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको कंपनी का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मेरा ये कुछ भी नहीं है इसमें, आप कंपनी के ऑनर है या कोई भी आपसे बात करता है उनसे बात करके, अगर आपके वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि अब कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा है कि वाकई ये वायरस है जो वो काफ़ी जो है नुकसान कर रहा है, और ऐसा भी है कि ये फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा से आपको उस पेड़ में देखने को मिलेगा। अब इस दवाई से वो वाला फायदा होता है या नहीं होता है तभी मैं आपको पर्टिकुलर पेड़ दिखाता हूँ, और मैं नेक्स्ट ईयर भी बताऊंगा आपको। यही पेड़ वो है, वो आप देख सकते हैं, यही मेरा वैसे इस वाले जो ऑर्चर्ड है मेरा, इसमें सबसे बड़ा जो पेड़ है वो यही है, और इसमें मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी रिकवरी इसकी हुई है उस कोसी लानो दवाई से। वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल थी और एंटी वायरल थी, तो उसका रिजल्ट मुझे तो काफ़ी बेहतरीन लगा है। मैं लाइव आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कोई किसी कंपनी का मेरे ऐसा नहीं है कि मेरी कोई उनके साथ सेटिंग है या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो ऑनर है कंपनी का उसका नंबर आपको मिल जाएगा, उन्होंने मुझे ट्रायल के लिए दिया था, मैंने कोई पैसे दे के उनसे नहीं मंगाया था, उन्होंने खुद ही कहा था कि जो हमारी दवाई है इसको आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और उनका कहना ये भी है कि नेक्स्ट ईयर भी जो है इसमें ये वाली बीमारी आपके नहीं आने वाली है, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट ईयर का तो नेक्स्ट ईयर ही पता लगेगा, पर इसका रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर शेयर करें, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ताकि ये और लोगों तक भी पहुँचती रहे और सभी भाइयों को इसमें फ़ायदा होता रहे, क्योंकि जो हमारे यूनिवर्सिटी वाले हैं नॉनी वाले हैं उनकी तो कोई भी इस पे अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है, उनकी प्रतिक्रिया तब आएगी जब ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। ये जो दवाई है ये कुछ इस तरह से काम करती है, आप देख सकते हैं, इसने इसको जो भी ये वायरस था इसको सुखा दिया है और फिर ये जो पत्ती है झड़ जाएगी, और बाद में आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी अच्छी रिकवरी हो रही है, और ना ही ये यहाँ देख सकते हैं आप फैला होगा। आप अपने ऑर्चर्ड में चेक कर सकते हैं कि ये अगर यहाँ है तो यहाँ भी ये धीरे धीरे चला गया, वैसे थोड़ी बारिश भी आई है बीच में एक दो बार, तो उससे भी इसमें कहीं ना कहीं इसको राहत मिली होगी। मैं पूरा श्योर हूँ कि उस दवाई से इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और के बगीचे भी मैंने देखे, एक दो जगह ऑर्चर्ड देखा तो वहाँ पर अभी भी वही हाल है जैसा हाल आपको यहाँ दिख रहा है। अभी थोड़ा ये यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा था, फिर भी इसमें जो नई ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं आने लगी है, ठीक होने लगा है ये। और जो एलिवेशन इस ऑर्चर्ड की है वो है 7500 फीट के करीब। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।